हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो सामने आपको दिखाई दे रही होगी होंडा SP125 जो पहले काफी दिन तक मेरे पास रही थी। लगभग आपको डेली अपने चैनल पे इसकी वीडियोस मिल जाती थी। आजकल इसकी वीडियो थोड़ी कम मिलती है बिकॉज ये बाइक अभी फिलहाल मेरे पास नहीं रहती, फिलहाल रहती है गगन के पास। स्टार्टिंग में 1500 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर के समथिंग मैंने इसको चलाया था। उसके बाद से गगन इसको परमानेंट यूज कर रहा है, डेली यूज में यही ले रहा है। अपने ऑफिस वगैरह जाता है, वहां से आता है, तो डेली यूज में यही ले रहा है इस बाइक को। तो डेली यूज में इसको बाइक कैसा फील करवा रही है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, बाइक के इंजन वगैरह से रिलेटेड या फिर बाइक के बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या नहीं पड़ी, माइलेज कैसा मिल रहा है, उन सब चीजों के बारे में गगन से बात कर लेते हैं। तो भाई गगन, जब से ये बाइक तुम चलाने लगे हो तब से एक बार ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ कि मतलब बाइक को जब चलाते हो तो फील कैसा करती है बाइक, मतलब आप कैसा फील करते हो बाइक को लेकर। बाइक को चलाते हैं तो अच्छा फील देती है, स्मूथनेस भी होती है बाइक में चलाते टाइम, और मक्खन की तरह चलती है बाइक। मतलब इंजन रिलायबिलिटी को लेके कोई इशू नहीं है आपको? नहीं, इंजन के कोई वो नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बाइक चलती है, स्मूथनेस है और मक्खन की तरह चलती है बढ़िया। जैसे कि अपने रोड भी देखे जाते हैं कि कैसा रोड है, एक हाईवे होता है, एक गांव का कहीं टूटा फूटा रोड भी आ जाता है, उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह आ जाते हैं, उसमें थोड़ा हो जाता है, लेकिन बाकी बाइक सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे प्लेन रोड है अपना, ये अपने जस्ट सामने जब चलाते हैं ये प्लेन रोड ही अपना, तो प्लेन रोड पे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन जब टूटे फूटे रोड पे चलाते हो, कंकड़ पत्थर में चलाते हो, तो बाइक कहीं से आवाज करती है क्या? हाँ, आवाज करती है बाइक जब टूटे हुए रोड पे चलाते हैं, बिल्कुल आवाज करती है बाइक। तो कौन कौन से पार्ट आवाज करते हैं वो बता दो एक बार। आवाज तो देखो बता दूं आपको, एक तो ये वाइजर है ना, ये पहले आवाज नहीं करता था। वाइजर की समस्या पहले हमें मिलती थी मोस्टली हीरो की बाइक्स में, जैसे स्प्लेंडर प्लस में या फिर एचएफ डिलक्स में, वाइजर की जो आवाज आती थी वो प्रॉब्लम पहले मोस्टली हीरो की बाइक्स में मिलती थी। लेकिन अभी जैसे भाई बता रहा है कि ये बाइक का वाइजर जो है ये भी हिल रहा है, काफी ज्यादा हिल रहा है, मैं इसको फील कर पा रहा हूँ। तो भाई बता रहा है जैसा ये बाइक भी, मतलब होंडा की बाइक भी ऐसे आवाज करने लग गई है वाइजर को लेके। उसके अलावा कहां से आवाज फील होती है आपको? उसके अलावा अपने जब चलाते हैं तो ये क्लिच प्लेट है, ये सॉरी ब्रेक है ना, ब्रेक, हाँ ये ब्रेक लीवर, ये थोड़ा हिलता है यहाँ से, थोड़ा नहीं ज्यादा हिलने लगा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो हिल इसलिए रहा है क्योंकि ये इसकी स्प्रिंग टूट गई है। ये स्प्रिंग नोटिस नहीं किया क्या तुमने? नहीं, ये मैंने देखा नहीं, मैंने अभी आज ही देखा है। भाई ये स्प्रिंग दिखा दे एक बार यहाँ से, ये इसकी क्या है, ये जो इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई होती है जो इसको रोक के रखती है एक जगह पे, ये वाला जो पेच है ये भी लूज हो चुका है, एंड ये स्प्रिंग है ये बिल्कुल टूट चुकी है यहाँ से, तो इसके कारण कर रही है। जब इसको सर्विस पे लेके जाओ तो ये सर्विस सेंटर वालों को ये चीज बता देना, वो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। उसके अलावा कहाँ से आवाज फील होती उसके है? अलावा अपने को जैसे कि पीछे भी आवाज आती है, जैसे कि ये सीट है ना, ये इस सीट की भी थोड़ी आवाज आती है, जैसे ब्रेकर में अभी भी आ रही होगी देखो। हाँ, इस सीट की आती है, थोड़ा ढीला, थोड़ा सा लूज हो गया, लॉक लूज हो गया। और ये इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर भी थोड़े हिलते हैं पीछे से, इंडिकेटर भी भाई लूज हो चुके हैं बाइक के, और थोड़ा ये प्लास्टिक का पार्ट है ना पीछे, ये भी थोड़ा हिलता तो नहीं है लेकिन फिर भी आवाज आ ही जाती है खड्डे वड्डे में। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसा पहले लगभग सभी कंपनियां करती थी उसी तरीके से अब होंडा भी करने लग गई है। पहले होंडा की बाइक में इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती थी। हमारे पास पहले थी एक पुराने टाइम पे साइन 125, उस टाइम एसपी नहीं आती थी, मैंने और गगन ने बहुत चलाई है साइन। हाँ, साइन तो याद है तेरे को, रेड कलर की बहुत चलाई उसको, तो वो बाइक तो ऐसी थी कि एक बार हमसे एक्सीडेंट हो गई थी, तो एक्सीडेंट होने के बाद भी लेके आ गए थे हम उसको, तो उसमें एक्सीडेंट होने के बाद भी ऐसे हिलने विलने की समस्या नहीं आई थी जो पार्ट्स वगैरह हैं। और आजकल तो भाई नई बाइक में ही समस्या आने लग गई है, उसी को देख के तो परचेज की थी बाइक। हाँ, तो इंजन आज भी चलता है उसका। हाँ, कितने साल पुरानी बात है, आज भी इंजन काफी स्मूथ फील करवाता है उसका। और ये बताओ बाइक को कितना चला रहे हो, लगभग डेली यूज में कितना ले रहे हो? डेली मेरा ड्यूटी का जो, जहां मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ 5 किलोमीटर पड़ता है एक साइड का, दस हो जाता है। उसके अलावा फिर कभी मार्केट जाना होता है या फिर कहीं रिश्तेदारी में जाना होता है तो लग जाते हैं काफी, मतलब कि ड्यूटी तो आप 10 किलोमीटर का मान के चलो, बाकी एवरेज देखा जाए तो ये 15-16 किलोमीटर चलती है रोज। और कभी कभार तो ये भी हुआ होगा कि 50-60 किलोमीटर भी चलाई होगी कंटिन्यू? नहीं, मतलब 160 किलोमीटर भी चलाई है मैंने इसको, जयपुर गया था मैं लेके। अच्छा अच्छा, जयपुर लेके गया था और वापस आया भी था, मतलब 300 किलोमीटर समथिंग चलाई थी इसको। तो जब लंबा चलाते हो तो उस टाइम पे मतलब लंबा चलने में क्या फील होता है, इंजन गर्म होता है या नहीं होता है, सीट पे बैठते हो तो सीट कंफर्टेबल है या नहीं है, वो चीज बताओ। सीट कंफर्टेबल है, सीट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंजन इसका गर्म हो जाता है जल्दी।
मतलब कितना किलोमीटर चलने के बाद लगभग गर्म फील होता है? 40 से 50 किलोमीटर दूर जाते ही इंजन गर्म हो जाता है। अभी तो थोड़ी सर्दियां हैं तो थोड़ा पता नहीं चलता इसका। हाँ, यही है कि भाई सर्दियों में तो इतना खास फील नहीं होता है इंजन कितना गर्म हो रहा है, ये सर्दियों में इतना फील नहीं होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में मैंने पहले भी बताया था इसकी इंजन हीटिंग वाली प्रॉब्लम की वीडियो भी मैंने प्रॉपर बनाई थी कि जब बाइक को हम चला लेते हैं लगभग 50 किलोमीटर कंटिन्यू चला लेते हैं तो उसके बाद इंजन गर्म फील होने लग जाता है। जैसे अपने पैर यहाँ पे टिके हुए होते हैं तो अगर अपन ने शूज वगैरह नहीं पहन रखे हैं तो साफ अपने को पैर पे गर्म फील होगा, डेफिनेटली होगा। और वैसे बिना शूज पहने भाई बाइक चलानी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई इधर उधर चला भी लेता है तो भाई इंजन तो गर्म होता है, लगभग 50-60 किलोमीटर चला लेते हैं तब होता है, 10-5 किलोमीटर में कोई फील नहीं होगा। ये जब आपने गर्मी में ली थी, हमने जब मई जून के महीने में ली थी, हाँ, तो बिल्कुल गर्म पैर बलते थे, चप्पलों में चलाते थे बलते, अब आप महसूस नहीं होता क्योंकि सर्दी है। अब सर्दी के अंदर तो एक तो तू डेली यूज में इसको थोड़ा कम यूज ले रहा है, 10 किलोमीटर चला रहा है तो कहां ही गर्म होगी, 5 किलोमीटर में तो इसका इंजन ही सही से मतलब गर्म नहीं हो पाता। जयपुर गया था तब हो गई थी गर्म। हाँ, इतना लंबा में हो जाती है गर्म। अब ये बताओ कि बाइक माइलेज क्या दे रही है? सबसे मेजर पॉइंट सभी का ये रहता है कि बाइक हमें अच्छा से अच्छा माइलेज दे अगर हम बजट बाइक परचेज करते हैं। माइलेज दे देती है, पहले मैंने एक बार पेट्रोल डलवा के देखा था इसमें चला के कि भाई मैंने बाइक तो ले ली, अब इसका माइलेज तो देखूं एक बार, उससे थोड़ा अंदाजा भी हो जाता है भाई बाइक कितना माइलेज दे। तो इसका माइलेज 60 से 65 रहता है हमेशा, मतलब 60 तो होगा ही होगा, उससे नीचे जाएगा ही नहीं, और जाएगा तब जब हम ज्यादा स्पीड से बाइक चला रहा हूं और बिल्कुल ऐसे घेंघाट कर रही है बाइक, तब तो माइलेज जितना ज्यादा एक्सेलरेशन करेंगे उतना ज्यादा माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। जितनी मतलब धीरे 50 की स्पीड 60 स्पीड में चलाता हूँ तो माइलेज अच्छी आती है, कभी इतनी तेज भगाया नहीं तो मैंने देखा नहीं उसका, बाकी 60-65 आती है माइलेज। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई अपने को 100 सीसी या 125 सीसी माइलेज दे दे, 60 का माइलेज दे दे, 65 का माइलेज दे दे, उतना माइलेज अपने को दे देती है, उतना माइलेज दे देती है। तो माइलेज को लेकर हमें कोई समस्या नहीं है, लंबा चलने को लेके कोई समस्या नहीं है। सीटिंग का बता दिया भाई ने कि सीटिंग काफी सही है, थोड़ा सा हीट होती है जब हम कंटिन्यू 50 किलोमीटर चला देते हैं। कोई भी छोटी बाइक है, मान लो 100 सीसी की बाइक है, 125 सीसी की बाइक है, छोटी बाइक होती है वो हमारे लिए मतलब डेली यूज के लिए परचेज करते हैं, और डेली यूज में लगभग कितना चलाते हैं यार लगभग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर इतना ही चलाते हैं, तो उसमें हमें कोई भी खास समस्या नहीं होती है बाइक को लेके। और ओवरऑल चीजों के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में, इंजन के बारे में, शीटिंग के बारे में एंड माइलेज के बारे में, लगभग सभी चीजों के बारे में गगन ने बता दिया है। यही बाइक को डेली यूज में ले रहा है तो इसने लगभग सभी चीजों के बारे में बता दिया है। अब फाइनली ये बता दो कि इस सेगमेंट में 100 सीसी सेगमेंट में या 125 सीसी सेगमेंट में या फिर 90,000 रुपए से 110,000 115,000 रुपए के बीच में अगर कोई बाइक परचेज करने का प्लान कर रहा है तो उसको एसपी लेने के लिए कहोगे या फिर कोई दूसरी बाइक परचेज करने के लिए बताओगे? देखो वो अपनी अपनी पसंद हो जाती है, कोई चाहता है कि भाई हम स्प्लेंडर लें क्योंकि स्प्लेंडर भी काफ़ी अच्छी बाइक है और मतलब उसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं और मार्केट में भी उसकी अच्छी चर्चा है। तो मैंने तो अपनी जो बाइक ये ली थी तो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ली थी, मेरी हाइट 6 फुट है तो मेरे को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती, फैमिली भी थोड़ा अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। उसके अलावा मतलब स्मूथनेस के बारे में आपको बताया था, बढ़िया स्मूथनेस में चलती है और इसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे बनावट है इसकी जो एक स्पोर्टी बाइक का लुक फील करवाती है। हाँ, अगर इसको सामने से देखते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ी स्पोर्ट बाइक है, साइड से देखते हैं लगता है कम्यूटर बाइक है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से, अभी मेरी हाइट है लगभग 5 फुट 7 इंच या 5 फुट 7.5 इंच, तो जैसे मैं बैठा हूं तो मैं भी ठीक लगता हूं बाइक के ऊपर, और अभी गगन की हाइट है लगभग 6 फीट गगन की हाइट है एंड गगन का शरीर भी काफी ज्यादा मतलब हैवी है तो ये बैठता है, तो इसके ऊपर भी ये बाइक काफी ज्यादा मतलब सही लग रही है। अगर यही स्प्लेंडर के ऊपर बैठेगा तो स्प्लेंडर इसके सामने भाई छोटी लगेगी। स्प्लेंडर ऐसे लगती है ऐसे, मतलब ऐसा लगता है कि स्प्लेंडर थोड़ा बच्चा सा है और बच्चे के ऊपर कोई बूढ़ा बैठ गया इस तरीके की लगती है। तो एसपी को भाई मतलब यंग जनरेशन वाले भी परचेज कर सकते हैं एंड जो बड़े लोग हैं अपने जैसे पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, कोई 40-50-60 साल तक के हैं वो भी इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। हर किसी के ऊपर ये बाइक काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ओवरऑल भाई यही कहना है मेरा कि इस सेगमेंट में अगर हम इंजन रिलायबिलिटी को लेके चलें तो सबसे बेस्ट बाइक रहने वाली है अपनी होंडा SP125। माइलेज भी काफी अच्छा खासा दे देती है, बाइक का लुक भी काफी सही है एंड बाइक की ओवरऑल क्वालिटी भी मतलब यार ठीक ठाक है, एवरेज क्वालिटी बोल सकते हैं। आजकल बॉडी पार्ट्स वगैरह तो काफी ज्यादा कमजोर कर रहे हैं होंडा वाले, तो भाई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए होंडा वालों को। बाकी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।